फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे किस तरह से आप अपना अकाउंट SBI में खुलवा सकते हैं। अभी तक अगर आपने अपना अकाउंट SBI में नहीं खुलवाया है, अपना खाता नहीं खुलवाया है, आप SBI के साथ नहीं जुड़े हैं, आप SBI के कस्टमर नहीं बने हैं, तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल प्रोसेस के साथ बताऊँगा आप घर बैठे किस तरह से आप ऑनलाइन अप्लाई करके अपना SBI में अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको ब्रांच जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको घर बैठे मोबाइल से जो मैं बोलूँगा वो कीजिए, आपका अकाउंट खुल जाएगा। आपको यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे, क्या आपका मंथली एवरेज आएगा, किस तरह से अप्लाई करना, सारा कुछ मैं आपको आज यहाँ पे बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, एक मिनट भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ, आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। स्क्रीन पे आने के बाद आपको सिंपल सा सर्च कर लेना है प्ले स्टोर में यूनो SBI, यूनो का जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लेना है। उसे डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना है। जैसे ओपन पे क्लिक करिएगा तो आपको एक नया इंटरफेस खुल के सामने आएगा। उसके बाद आपको देखिएगा नीचे में लिखा हुआ होगा न्यू टू SBI एग्जिस्टिंग कस्टमर, आपको न्यू टू SBI पे क्लिक कर देना है। जैसे न्यू टू SBI पे क्लिक करिए तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, डिजिटल सेविंग अकाउंट, इंस्टा सेविंग अकाउंट। डिजिटल सेविंग अकाउंट पहले खुलता था, उसमें आपको ब्रांच जाके KYC करवाना पड़ता है। इंस्टा सेविंग अकाउंट में आपको घर बैठे ही आप यहाँ पे अकाउंट खुलवा सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। क्या आपका मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट रहेगा, क्या आपका यहाँ आपको डेबिट कार्ड भी मिलेगा साथ में, आप यहाँ पे 2 लाख का लेन देन कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 1 लाख रुपया आप इसमें रख सकते हैं, सारा कुछ आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इंस्टा सेविंग अकाउंट में आप अपना अकाउंट से अप्लाई से कर सकते हैं और अकाउंट खोल सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे जैसे क्लिक करूँगा तो आपको ये उसके बाद आपका इस तरह का इंटरफेस खुल गया, अप्लाई न्यू रिज्यूम। रिज्यूम वो चीज़ है, अगर दोस्तों आपने अप्लाई किया है और बीच में नेटवर्क कट जाता है या आपका मोबाइल बंद हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो आप यहाँ पे रिज्यूम आके कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश हैं तो यहाँ पे अप्लाई न्यू पे क्लिक सकते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए तभी आप यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं SBI में मोबाइल से घर बैठे, और इससे पहले आपका कोई भी SBI में अकाउंट नहीं होना चाहिए। अगर आपका SBI में अकाउंट पहले आपने खुलवा चुका था तो आप यहां से नहीं खुलवा सकते, यहां पे आपका फ्रेश अकाउंट यहां पे खुलेगा, यहां पे पूरा प्रोसेस साथ खुलेगा। रिज्यूम समझ गए, अप्लाई न्यू। तो चलिए मैं आपको यहां पे अप्लाई न्यू पे क्लिक करता हूं और इस तरह से, थोड़ा नेट स्लो है, जैसे अप्लाई न्यू पे क्लिक करूँगा देखिए ये आपका पूरा खुल के सामने आ जाएगा। OTP बेस्ड EKYC है फॉर न्यू कस्टमर के लिए, पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग है, यहाँ पे कोई पेपर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ब्रांच विजिट की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड मिलेगा और यहाँ पे आप 1 लाख से ज़्यादा अपना अकाउंट में पैसे नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ नो मोड पर भी आप जाके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पूरा पढ़ लीजिएगा, आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये चीज़ पढ़ने के बाद आपको नीचे सिंपल सा आपको यहाँ पर टिक मार देना है। टिक मारने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, जैसे आप पढ़ लिए तो उस टाइप से आप कर देना। अब आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर वो देना है जो आपका आधार कार्ड से लिंक है, यहाँ पे वही मोबाइल नंबर आप फिल करेगा जो आपका आधार कार्ड से लिंक है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर लिया, उसके नीचे में आपको एक रेफरल कोड है, ऑप्शन है, वो चाहे दे सकते हैं चाहे नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहां पे सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे सबमिट पे क्लिक करिएगा तो जो मोबाइल नंबर आपने डाला था उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहां पे फिलअप कर लेना है। OTP फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना, फिर आप यहाँ पर अपना पासवर्ड यहाँ पर बना सकते हैं, प्लीज़ क्रिएट योर एप्लीकेशन पासवर्ड। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे 8 करेक्टर का आप यहाँ पे पासवर्ड बना सकते हैं, एक स्मॉल लेटर लीजिएगा, एक कैपिटल लेटर लीजिएगा, नंबर लीजिएगा और कोई स्पेशल करेक्टर लीजिएगा। ये 4 चीज़ मिक्स करके आप यहाँ पे पासवर्ड बना सकते हैं। अगर 4 चीज़ नहीं मिक्स करेगा तो आपका पासवर्ड यहाँ पर नहीं कवर होगा। यहाँ पर देख लीजिए, एक स्मॉल लेटर है, एक बिग लेटर है, एक नंबर है, एक स्पेशल, ऐसे मिला के 8 डिजिट का आप यहाँ पर पासवर्ड बना सकते हैं। चलिए मैं बना लेता हूँ यहाँ पर पासवर्ड। उसके बाद आपका यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है, मान लीजिए कभी आपने अपना पासवर्ड भूल गया,
तो उसके बाद में आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन से आप यहाँ पे अपना पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन में बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे इस पर क्लिक करिए तो यहाँ पे आपको पूरा इस तरह का सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो ये जो वो है जो खुल के आ जाता है पूरा आपका यहाँ पे लिस्ट खुल के आ जाएगा, यहाँ पे क्या चीज़ आप अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन में डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ, वेबसाइट यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे सिक्योरिटी आंसर मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। रियली विजिट मैं जिस वेबसाइट पे करता हूँ मैं यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन वो मैं यहाँ पे डाल लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो कुछ आगे का इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आएगा। आई एम लाइबल फॉर द टैक्स, मतलब यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे डिटेल सेविंग अकाउंट इंस्टा सेविंग अकाउंट आर अवेलेबल फॉर कस्टमर हु आर पेइंग पे इनकम टैक्स इंडिया। अगर आपके पास पैन कार्ड है उसके बाद ही आप अकाउंट खोल सकते हैं, अन्यथा नहीं खुलवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक कर दिए टिक मार के, उसके बाद ओके पे कर दिया। अब यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिल करना है। तो पर्सनल डिटेल के लिए आपको यहाँ पे आई एग्री टू द बॉक्स यहाँ पे आप यहाँ पढ़ लीजिएगा जो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, या आप सारा चीज़ पढ़ते हुए यहाँ पे आप आई एग्री टू द अबव पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, अब यहाँ पे देखिए स्कैन आधार एंड क्यूआर कोड है, या एंटर आधार नंबर है, या एंटर वर्चुअल आईडी नंबर है। तो अगर आप तीन में से कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। आप अपना आधार नंबर भी डाल सकते हैं, वर्चुअल आईडी भी डाल सकते हैं, या स्कैन आधार क्यूआर कोड करके आप यहाँ पे अपना डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एंटर आधार नंबर डाल के मैं यहाँ पे फिल करूँगा। जैसे मैं एंटर आधार पे क्लिक करूँगा उसके बाद आपको आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है। आधार नंबर जैसे फिल करेगा तो आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है आधार कार्ड से उस पर एक मैसेज जाएगा, ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप ओटीपी फिल करिएगा उसके बाद आपको आगे का नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल सारा कुछ यहाँ पे भर लेना है। आप मिस्टर मिसेज यहाँ पे भर लिया, सारा अपना डिटेल भर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पे पूरा अपना डिटेल आप भर लीजिएगा, पूरा आप अपने अनुसार भर सकते हैं। आप अपना प्लेस भर सकते हैं जहाँ आपका बर्थ प्लेस है, सिटी है, आप किस कंट्री में हैं, आपका सिटीजनशिप क्या है, इंडियन है, तो सारा चीज़ आप यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे मैं आप फिल कर लेता हूँ इंडिया सिटीजनशिप, यहाँ पे आप डाल लेता हूँ इंडियन हो गया। अब यहाँ पे नेशनलिटी हो गया, यहाँ पे भी मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ इंडियन। यहाँ सारा कुछ आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आप जैसे यहाँ पे इंडियन फिल कर लीजिएगा तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। या सिर्फ इंडिया के लिए है, नेशनल के लिए है, तो यहाँ पे जैसे इंडिया हो गया तो इंडियन हो जाएगा, तो इंडिया, तो यहाँ पे उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा आगे का इस तरह का ऑप्शन खुल के आएगा। अब देख लीजिए यहाँ जो पर्सनल डिटेल में जो आपका जो आधार कार्ड में एड्रेस था वो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे लिप ले लेगा, पिन कोड यहाँ पे ले लेगा। आपको बस यहाँ पे अपना स्टेट चूज करना है। जैसे स्टेट चूज करिएगा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद आपको यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। ये आपका सब डिस्ट्रिक्ट चूज हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे अपने अनुसार फिलअप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपना सब डिस्ट्रिक्ट चूज कर ले रहा हूँ और उसके बाद फिल कर ले रहा हूँ। ये आपका विलेज टाउन हो गया, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है। या अब आपका यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है। आप अपना जो पैन नंबर है उस पैन नंबर को यहाँ पे आप फिल कर लीजिएगा। पैन नंबर को फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेगा जो फ़ोटो जो आपका आधार कार्ड में है वो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। इस तरह से आपका फ़ोटो यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, टेल अस लिटिल मोर अबाउट योर सेल्फ। अब आपको अपना अपने बारे में कुछ बताना है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, आप यहाँ पे कितने पढ़े हैं वो, आपको ग्रेजुएट है पोस्ट ग्रेजुएट वो फिल कर लेना। उसके बाद अब मैरिड हैं या अनमैरिड हैं तो यहाँ फिल कर लेना, या अदर हैं तो यहाँ पे मैरिड है तो वो फिल कर लेना है। अब आपको यहाँ पे अपना नाम चूज करना है, एडिशनल डिटेल है तो यहाँ पे आपको नाम चूज करना है। फिर यहाँ पे फादर्स नेम चूज करना है, पहला लेटर देखिए यहाँ पे अगर है मेडन नेम है तभी डालिएगा, अन्यथा मत डालिएगा। अब यहाँ पे फादर नेम चूज कर लेना है, यहाँ पे आपको मदर्स नेम चूज कर लेना है। जैसे मदर्स नेम पे चूज करिएगा तो उसके बाद आपको यहाँ मिसेज डालिएगा। फिर आप अपना मदर नाम आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, स्पाउस नेम है तो यहाँ पे डालिए, अन्यथा मत डालिए। उसके बाद आप नीचे जाइएगा, नीचे स्क्रॉल करके जाइएगा,
स्पाउस नेम में डाल लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, थर्ड आपका ऑप्शन आ जाएगा एनुअल इनकम के बारे में। आपको एनुअल इनकम बारे में बताना है कितना आपका सालाना इनकम है। अगर आप 20,000 से कम है तो इस पर क्लिक करिएगा, 20 से 50,000 है तो उस पर क्लिक करिएगा, 50 से 1 लाख है तो उस पर क्लिक करिएगा, 1 से 5 लाख है तो उस पर क्लिक करिएगा, 5 से 10 लाख है तो उस पर क्लिक करिएगा, अबव 10 लाख है तो इस पर क्लिक करिएगा। ये पांचों मतलब 6 ऑप्शन में से जो भी है उस पर क्लिक करिएगा। ऑक्यूपेशन आपका क्या है, सर्विस है, अदर है, बिजनेसमैन है, नॉट कैटेगरीज है, तो यहाँ पर नॉट कैटेगरीज है, अदर है और सर्विस है, बिजनेस है, जो आपको यहाँ पर 4 में से है तो आप वो फिल कर ले सकते हैं। उसके बाद आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है या रिटायर्ड हैं, ये चारों में से आप जो हैं वो यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ हाउस वाइफ, जैसे हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे रीजन फिल करना है, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं या अदर हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर जो मेरा कास्ट है, मेरा रिलीजन है, वो यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स डालना है, एंटर नॉमिनी डिटेल्स स्कैन नॉमिनी आधार कार्ड है, आपके पास आधार कार्ड है नॉमिनी का तो वो स्कैन के लिए तो वो ऑटोमेटिक फिलअप ले लेगा पूरा, अगर नहीं है तो उसके एंटर नॉमिनी डिटेल्स यहाँ पे सेपरेट वाइज आप यहाँ पे सारा का नॉमिनी डिटेल्स आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको नॉमिनी नेम भरना है, आपके साथ क्या रिलेशनशिप है नॉमिनी का वो भरना है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो भरना है, सारा कुछ आप अपने अनुसार यहाँ पे भर सकते हैं और यहाँ पे एज भी आप नीचे में यहाँ पे डाल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे पूरा फिलअप कर लेता हूँ। फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको नॉमिनी एड्रेस सेम एज एप्लीकेशन एड्रेस या क्लिक करना या कोई और एड्रेस हो तो वो क्लिक करना, तो मेरा सेम एड्रेस है तो मैं उसी पे क्लिक करता हूँ। जैसे उस पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक ये आपका जो वो आपने डाला था अपना एड्रेस वो नॉमिनी का एड्रेस ऑटोमेटिक फिलअप ले लेगा। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके जाइएगा, यहाँ पर नॉमिनी एड्रेस एप्लीकेंट एड्रेस, इस पर फिर एक बार क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद फिर आपका वो ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप अब कौन ब्रांच में आप जाना चाहते हैं, 1 साल के अंदर में आप विजिट करना चाहते हैं, बाय लोकेलिटी मतलब आपके नज़दीक में जो है वहाँ क्लिक करिएगा। जैसे बाय लोकेलिटी पर क्लिक करिएगा तो आपका जो नज़दीकी ब्रांच है SBI का वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लोकेलिटी नेम बाय यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, आपके अगल बगल में जो नाम होगा ब्रांच का या आपके जगह का जो नाम होगा वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे नाम फिलअप करिएगा तो आपका लोकल जो ब्रांच है वहाँ पे आप यहाँ पे आपका वो ब्रांच का नाम आ जाएगा, यहाँ पे 5 लिस्ट 6 लिस्ट जितना भी होगा और यहाँ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद आप यहाँ पर जिस भी ब्रांच में आपके घर के बगल में और आपको जाने में सहूलियत होगा अपना KYC करवाने के लिए 1 साल के अंदर में, तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई एक चूज कर लूँगा, आप अपने अनुसार चूज कर लीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे नीचे में आ जाएंगे तो नीचे स्क्रॉल करके आप अपने अनुसार यहाँ पे किसी पर भी एक पे क्लिक कर सकते हैं। और जैसे क्लिक करिएगा तो आपको नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, यहाँ आपको घर के बगल वाला जितना भेजेगा आपको यहाँ पर जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ रीड एंड टर्म कंडीशन होगा उसे ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन, इस पर टिक मार दीजिएगा। ये सारा चीज़ आपका टर्म कंडीशन है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, नीचे स्क्रॉल करके इसे एक बार करके और यहाँ पे टिक मार के, जैसे टिक मारिएगा बहुत बड़ा है तो यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे में आपको टिक मार देना है। टिक मारने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा तो आपका ये पूरा इस तरह का खुल के आपको सामने आ जाएगा, एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा। उसके बाद जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर टाइम में दिया था वो OTP आपको फिर से यहाँ पे फिलअप कर लेना है। यहाँ ओके कर दूंगा मैं, उसके बाद यहाँ पे OTP फिल कर दूंगा। OTP फिल करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो आगे का कुछ इस तरह का आपका डेबिट कार्ड में क्या डिटेल रहेगा, कार्ड पर जो नाम रहेगा वो यही रहेगा, इन्फॉर्मेशन ऑन द कार्ड डिलीवरी देखिए और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस विद इन 15 डेज अकाउंट बींग ओपन, 15 दिन के अंदर में आपके घर पर आपका डेबिट कार्ड वो पहुंच जाएगा।
इस नाम से नेम ऑन कार्ड जो रहेगा वो रहेगा, डेबिट कार्ड डिलीवरी आईडी और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस 15 दिन। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा तो देखिए नेक्स्ट पे कुछ लोड लेने में टाइम लगा। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सॉरी सम टेक्निकल एरर लिख दे रहा है, कुछ नेट का प्रॉब्लम है या सर्विस पे ज़्यादा लोड है इसलिए ये टेक्निकल एरर लिख दे रहा है। फिर से आप ट्राई करिएगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैंने भी किया था दो चार बार में वो हो गया था। ये देखिए हो गया कुछ देर के बाद। अब देखिए यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप या खोल जाए इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा, यहाँ आपको CIIF नंबर मिल जाएगा, यहाँ आपका ब्रांच कोड मिल जाएगा जिस ब्रांच कोड से आपने वहाँ पे लोकेलिटी चूज किया था वो ब्रांच कोड का यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यू विल शॉर्टली रिसीव एन SMS, आपके पास एक SMS आ जाएगा टेम्प्रोरी यूज़र आई डी अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन पासवर्ड यहाँ पर आपको जाएगा। एक साल के अंदर में आप यहाँ पर फुल KYC करवा सकते हैं, नहीं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। और आपका आपके मोबाइल पर एक यूज़र आईडी आ जाएगा टेम्प्रोरली पासवर्ड टू कंप्लीट योर इंटरनेट बैंकिंग रजिस्टर, उससे आप यहां पे अपना यूनो में आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। यहां पे सारा कुछ देख लीजिए होम पेज में एक्सिस के में लॉग इन इंटरनेट बैंकिंग, डू यू हैव इंटरनेट बैंकिंग आईडी, क्लिक यस, एंटर टेम्प्रोरली यूज़र आईडी, एंटर एप्लीकेशन पासवर्ड, क्लिक सबमिट। यहां पे सारा कुछ है, आप यहां पे पढ़ सकते हैं और यूनो में अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं पासवर्ड और इंटरनेट बैंकिंग के बनाने गया तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। और फिर आप यहाँ पे देखने डू यू हैव इंटरनेट बैंकिंग है ना, यहाँ पे देखिए, उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर टेम्प्रेरी यूज़र आईडी एंड एंटर एप्लीकेशन पासवर्ड यहाँ पे सबमिट कर देना है। मैं आपको अगले वीडियो में इसका सारा प्रोसेस बताऊँगा किस तरह से आप इंटरनेट बैंकिंग आप बना सकते हैं। तो चलिए, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए टिप के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।